जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, कुशीनगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दरबार से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों न करना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वीलोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक पहुंच गए। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु हैं या वह उनका महज एक ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उसके पीछे चले गए मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुंचे और राजा शिवी की जांघ पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा ले। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता न करो, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुँच गए। उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर वह अपने और अपने बच्चों की भूख मिटाएगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूँगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप मुझे यही कबूतर नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने के बाद उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी, ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बचा रहेगा। राजा की यह बात सुनकर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा, अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस देता हूँ तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू में दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू में रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफ़ी कम था। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। इसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर हो गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई भी नहीं कर सकता। इतना कहते हुए दोनों देव वहाँ से गायब हो गए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताई महाराज शिवी की दानशीलता की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।